आप भारत के सभी सेनाओं को आज सेना दिवस पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। सबसे पहले अपना देश, तब हम सब। आओ मिलकर देश के तिरंगा को, आन बान शान को सलूट अभिनंदन करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चलें काशी का दर्शन करने। स्मार्ट काशी, स्मार्ट सिटी का विकास स्तर तेजी के साथ काशी आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ यह विकास की धारा आगे बढ़ती हुई काशी के सड़कों पर अब पुल के नीचे अब गरीबों के लिए स्मार्ट दुकानें बनाई गई है। लेकिन इसमें दुकानें में लिखा है स्मार्ट सिटी वाराणसी काशी अर्बन स्कॉप। इसके बाद यह सुंदर दुकानें बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार नगर निगम या बना के लोगों को दिया है। स्मार्ट दुकानों में ताला भी लगा है, खुली भी नहीं है। आज सुबह टाइम्स टीम वाराणसी का यह सीधा फुटेज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दूं कि यह स्मार्ट सिटी और स्मार्ट दुकानें बनाकर नगर निगम ने या उत्तर प्रदेश सरकार पुल के नीचे बना दिया है। या रेलवे स्टेशन वाराणसी कैंट बस अड्डा का आपको यह फुटेज दिखा रहा हूँ, जो पुल के नीचे सीधे बनाया गया है। स्मार्ट शॉप यहाँ पर लेकिन एक भी दुकानें नहीं खुली है। इसका कारण यह भी है कि बहुत ज़्यादा किराया बताया जा रहा है, जिससे कि 15,000 रुपये प्रतिमा या जो है दुकान के जो किराया है वह है। या आम व्यक्ति, गरीब या दुकानदार, इसमें दुकानदार जो है कैसे खोलेगा, इसे कितना किराया है, बहुत ज़्यादा लोगों को यह लग रहा है। जिससे कि स्मार्ट सिटी और स्मार्ट दुकानें बना के दिया है सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, लोग अब इसमें पूंजी लगाकर और कैसे लोग बैठें, क्योंकि जो किनारे किनारे पर है वह कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, लोगों में बहुत ज़्यादा जो है अब वो विचारणीय हो गया है। और 15,000 रुपये प्रति महीना का किराया नगर निगम द्वारा वसूला जाएगा और यह जो दुकानें अलॉट होगी। तो दुकानों में इस वक्त ताला भी लगा है और यह दुकानों का किराया कम किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी दुकानें जो है खोला जा सके और अच्छी तरह से या दुकानें चलाई जा सके। या आम लोगों का जो है मांग है, और यह मांग है जो दुकानें जो गुमटी में पहले चलाते थे, सामान बेचते थे, अब उनका रोजी रोटी छीन गया है। वह इसलिए कि वह अब उन्हें बाहर जाना पड़ा और स्मार्ट जो दुकानें बनाई गई है, सुंदर दुकानें सड़क के किनारे पुलों पर, दुकानों की जो अच्छी सुंदर बनाने और बहुत अच्छी पहल सरकार ने की है, उसे स्वीकार करते हुए, लेकिन इसकी किराया सस्ता किया जाना चाहिए, तभी लोग इस पर छोटी बड़ी दुकानें खोल सकते हैं। या काशी स्मार्ट शहर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सभी जो है पर्यटन स्थलों में काफ़ी तेज़ी के साथ नवनिर्माण तेजी के साथ कर रही है। तो आप देख रहे हैं काशी का नज़ारा, फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।